दोस्तों, पाकिस्तान के हालात इस वक्त तक कैसे हैं? यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इस वक्त इमरान खान और पाकिस्तानी आर्मी आमने सामने आ गई है। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसा हंगामा हो रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया खुद यह कह रहा है। अभी जंग क्या है, इमरान खान वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट, एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस इमरान खान, फिर पीडीएम वर्सेस इमरान खान, और ये ऐसा मैच हमने यहाँ पे खेलना शुरू किया है कि आईपीएल की रेटिंग गिर गई है। दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान है जिसके दो टुकड़े तो इंडिया ने 1971 में ही कर दिए थे, लेकिन इस वक्त के हालात को देखकर ऐसा लगता है कि इस बार पाकिस्तान के चार टुकड़े होने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इतना मजबूत है कि देश विरोधी ताकतों को जड़ से खत्म कर देता है और पूरे देश को एकजुट बनाए रखता है। ये बात खुद पाकिस्तानी मीडिया के मुंह से आप सुन लीजिए। लेकिन इंडिया जब बना ना, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इतना मजबूत किया कि उसके नीचे से कोई खिसक नहीं सकता। अब वो वहां पर कैसे हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि उनका जो कानून है ना, वो सबको सीधा कर देता है। वरना अगर इस तरह से ढील ढाल उनको भी दी होती तो वहां पर भी एक छोटा पाकिस्तान कब से बन जाता। दोस्तों, कहते हैं ना कि आपके पास जितनी बड़ी पावर हो उतनी ही आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, लेकिन दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार तो है लेकिन वो उसकी हिफाजत करने में बिल्कुल नाकाम हो गया है। इस वक्त पाकिस्तान में तालिबान ऐसा नंगा नाच नचा रहा है कि उसने पाकिस्तानी सेना और पुलिस की नाक में दम करके रखा है। अभी कुछ ही दिन पहले तालिबान ने पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया था और कई सारे पुलिस वालों को ही बंधक बना लिया था। सबसे बड़ी टेंशन मुझे आज सुबह से ये हो रही है कि यार हमारे पास एक एटमी बॉम्ब भी, एटमी असासे भी हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जिस तरह पुलिस के ऊपर अटैक कर रही है, बलोचिस्तान में आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है, ये लोग तो आजकल में हमारे एटमी असासों तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।